अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स तुसी इंट्रोडक्टरी लैक्चर सीरीज विच मेरा चौथा लैक्चर सुनिया उदे विच मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कीतियां सी कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना और नाले दस्या सी कि पेपर अटैम्प्ट करना एक आर्ट है एक फन है सिर्फ एहो ही नहीं कि तुसी पढ़ लवो रटे ला लवो और जाके पेपर अटैम्प्ट कराओगे पॉसिबल नहीं है। पंजाबी तुसी पहले कभी किसी लैवल ते नहीं लिखी होंगी फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे इसलिए जरूरी है कि यदि मशक की जाए। पंजवें लैक्चर विच पंजाबी इमला सीखने तो बाद और चौथे लैक्चर विचों इंस्ट्रक्शंस पढ़न तो बाद उहदा एक अमली नमूना तुहाडे सामने में एक सफा पंजाबी इमला वाला मैं खुद लिखिया है। स्टूडेंट्स नूं दसण दा मकसद है वे कि वह किस तरह जड़े रूल्स रेगुलेशन्स मैं इंस्ट्रक्शन्स जड़ियां दसियां ने उन्हां नूं इंप्लीमेंट किस तरह करना है। यानी तुसी अच्छी पंजाबी लिखना सीख गए तुसी अच्छे तरीके नाल तैयारी कर ली लेकिन अगर तुसी प्रेजेंटेशन अच्छी ना दे सके तो फिर भी नंबर अच्छे नहीं आणगे। सो पेपर हल करन दा एक खास तरीकाकार है जिन्हों असी पेपर प्रेजेंटेशन कहने हैं। पेपर जिन्ना खूबसूरत होएगा एग्जामिनर नूं उन्ना अट्रैक्ट करेगा इंप्रेस करेगा और एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। हैंड राइटिंग सब की खूबसूरत नहीं होंगी लेकिन प्रेजेंटेशन कम अज़ कम सारे खूबसूरत बना सकते हैं। वेख लो तुहाडे सामने पेज है कोई मार्कर नहीं कोई कुछ नहीं यूज होया सिर्फ आम पेन यूज किया और मैं इंस्ट्रक्शन विच तुहानूं दस्या सी तुसीं भी सिर्फ नीली और काली स्याही नाल ए वाला मैटर लिखोगे और हैडिंग्स जड़ियां लिखोगे वो वालियां मार्कर नाल लिखिया जाणगियां। लेकिन तरीकाकार की होएगा आई थिंक अजकल एग्जामिन एफ पी एस सी ते पी पी एस सी वाले लाइना लगिया हुई शीटा देते हैं जिस तरह लाइनस वाली शीट प्लेन नहीं होंगी पहले ए फोर साइज प्लेन कागज़ देंदे सी उहदे ते लिखना मुश्किल है ज़्यादा मुश्किल है। अजकल लाइन वाली शीट होंगी और तुसी पंजाबी लिखण वास्ते प्रैक्टिस कितों स्टार्ट करनी है उर्दू लाइना वाला सफ़ा लेना है जिहदियां लाइना जरा अंग्रेजी लाइना वाले दी निस्बत थोड़ियां खुलियां होंदियां ने ताकि साफ सुथरी उर्दू लिखी जाए। अजकल तो मार्केट चो दस्ते मिल जाते हैं जिहदे दोनों पासे रैड कलर का एक इंच मार्जिन छड़ के हाशिया लाया हुंदा वो लै लो ज़्यादा बेहतर है नहीं अगर है तो फुटे नाल दोनों साइड पर है वेखो एक इंच मार्जन हाशिया छड़ के दोनों साइड पर एक इंच का हाशिया जरूर लाओ और फिर हाशिया तो सारे स्टूडेंट्स ला लेंगे ने मैं जिस तरह इंस्ट्रक्शन लिखिया हुआ हाशिया लाना तो मुश्किल नहीं है लेकिन हाशिया लाने तो बाद फॉलो करना है वेखो बिल्कुल हाशिए के बराबर ने लाइन जरा भी कोई लफज अगे पिछे नहीं गया यह सब तो ज़्यादा जरूरी काम है। यह वेख लो ए अगवाई इतने लफ्स बाहर चला जाना सी लेकिन उन्होंने तंग कर दिता काफ़ी सारा क्लोज कर दिता है जगह ज़्यादा सी अगर इनू आम नॉर्मल लिखते तो अगो स्पेस बच जानी सी और पहली लाइन विचों ही स्पेस रह जाने की वजह तो बहुत बुरा लगना सी। सो यह हाशिया लाने तो बाद दोनों पासों हाशिए की पाबंदी करनी है हाशिए के बराबर लिखना। दूसरी अहम गल हर पेज उत्ते कम अज़ कम दो या तीन पैराग्राफ होने चाहिए ने तुहाडे सामने पेज है ये उत्ते दो पैराग्राफ ने एक है और दूसरा पैराग्राफ पैराग्राफ शुरू करन दा भी एक मार्जिन होंदा है। ऐ वेखो एक इंच छड़ के अगे लाइन ला के मैनशन किया है कि तुसी इस जगह तो लिखना स्टार्ट करना और दूसरा पैरा भी सेम इस जगह तो लिखना स्टार्ट करना और तीसरा पैरा भी सेम इस जगह तो लिखना स्टार्ट करना है खूबसूरती आटोमैटिकली आ जाएगी। पेज लिखा हुआ हैंड रिटन तुहाडे सामने में हुण तुसी ओ इंस्ट्रक्शंस नूं मद्देनज़र रख के इमला दे रूल्स मद्देनज़र रख के इस तरह पेज लिखण की कोशिश करना और पेपर विच भी सिक्स पेजेस उत्ते क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हुंदा है उहदे विच भी तुहाडी प्रेजेंटेशन इहो ही रहनी चाहीदी है। एक इंच मार्जन पैराग्राफ का तुम कोई बुक खोल के वेखो थोड़े सामने थोड़े टेबल से कोई किताब पई होए भी पैराग्राफ का मार्जन होंगे है और एक ही मार्जन हर पैराग्राफ का होंगे वो तो कंप्यूटर में तो चलो ए वाला हाशिए के बराबर करन का भी जस्टिफाई करन का ऑप्शन होंगे
इन पेज विच भी एम एस वर्ड विच भी, लेकिन समझो तुसी खुद प्रैक्टिस नाल एडजस्टिफाई करन दी कोशिश करनी है। मेरी नैक्सट वीडियो विच मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करन दा तरीका तुहानू दसांगा कि तुसी क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।